सरदार बलवंत सिंह राजोवाला नूं फांसी की सज़ा हुई सी ते उस दे तहत उन्होंने रहम की अपील की हुई है। और मैं ये समझदा कि ना तो सरकारां ते ना अदालतां उन्हां नूं रिक्वेस्ट की जाती है, धमकाया नहीं जाता। तो कुछ लोग साड़ी कौम दे विच भी इन्हां नूं सरकार नूं भी ते अदालतां नूं भी धमकाउण लग जाते हैं कि साढ़े मुताबिक फैसले लो। ये ठीक है कि उन्हां दी फांसी की सज़ा जिहड़ी उम्र कैद च तब्दील हो जाए तो किसी नूं कोई इतराज़ नहीं, पर एक इस तरह करना कि सरकार नूं थ्रैट करना वह भी ठीक नहीं है। और इहदे च पूरी कौम का लग जाना कि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब भी लगे हुए आ, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी भी लगी हुई है कि कोई एक चीफ मिनिस्टर की हत्या करना या किसी की हत्या करना सिख धर्म उसनों अप्रूवल दिता। सिख धर्म तो मानवता की गल करता, मानस की जात सभी एक पहचान वो सब सरबत के भले की गल करता। इसलिए ये जड़िया गल् जो परंपरावान असं पा रहे हैं कि वह सानू गुरुआ ने सिखाइया ने, यह सारा सोच का विषय हैगा। और भुख हड़ताल खत्म की ये बड़ी अच्छी गल है। और पर इस तरह जिस तरह असी पब्लिक दे विच लैके जाने हैं, जिस तरह की प्रेरणा ये असी अपनी आने वाली नस्लों को देना चाहते हैं, वो गुरुआ ने शहादत दे के जो लीह स्थापित कीतियां ने वो ये नहीं है जिहड़ियां असी कर रहे हैं। ये विचार करने की जरूरत है कौम नूं और इहो जिहियां गल्लां नहीं होनी चाहिए।